very excited to be here. Finally, ये show आप सब देख पाएंगे. And खासकर मेरे लिए बहुत special है because I'm playing Max's wife in the show, and it's been a very, very challenging character also for me. So I really look forward to the screening, and best wishes to us all. I think मेरे लिए सबसे enriching और memorable experience रहा है, because Makran sir is an icon, and to be able to be in the same frame as him has been a spectacular experience. So it's going to be always cherished. सब इतने stunning लग रहे हैं. तो पूरा look show का is it's really grand and so very well done that it looks so authentic. Please do watch the verdict. It's going to start streaming from the 30th of September on ALTBalaji. Thank you. पूछिए साहब. अरे आई एम वेरी एक्साइटेड. ये एक बहुत ही पर्सनल प्रोजेक्ट रहा है मेरे लिए. आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज ऑफ द वर्डिक्ट. हम पिछले एक साल से शूट कर रहे हैं, तो आज ये जो दिन है इसके लिए आई थिंक हम सारे कास्ट मेंबर्स बहुत ही एक्साइटेड हैं. बहुत अच्छा. आई मीन स्पेशली जब हम इस कहानी को बना रहे थे उसके दौरान, और जब रिलीज़ का वक्त आया तब भी हमें एक सवाल पता था कि लोग पूछेंगे अरे ये तो बन चुकी है. तो यही हमारी कोशिश रही है कि हम इस कहानी को जितनी अच्छी तरीके से और सच्चाई से लोगों तक लेके आए और एक अलग पर्सपेक्टिव से लेके आए. आई थिंक दैट हैज़ बिन दी एंडेवर. और इसी कोशिश
का जो फल है वो आज हम देखेंगे. तो आई एम रियली एक्साइटेड. आई थिंक वेब सीरीज का जो फॉर्मेट है वो सिर्फ इसलिए एक्साइटिंग नहीं है क्योंकि ये बहुत लोगों तक पहुंचता है, मगर इसलिए भी एक्साइटिंग है क्योंकि ये इतना अच्छा समय है राइटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए कि वो अपने हुनर को आगे ले आए और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. तो आई थिंक एज दे से स्काई इज़ द लिमिट. आई थिंक द स्काई इज़ द लिमिट राइट नाउ. इट्स अमेजिंग. आई नो. मुबारक हो बच्चन साहब आपको. थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग एवरी सिंगल वन ऑफ अस ओवर जेनरेशंस. आई थिंक यू हैव गॉन आउट देयर एंड यू नो चेंज द वे वी लुक एट द इंडियन हीरो फ्रॉम द एंग्री यंग मैन टू बीइंग यू नो द लवली एंडियरिंग child in power. You know, you've played it all for us, so thank you so much. I think this industry is blessed to have you, so thank you. अरे बहुत excited है. मुझे तो हमेशा से पता था अगर वहाँ पे एक passing shot भी है तो भी मैं करूँगी क्योंकि जोया अख्तर की फिल्म है, रणवीर सिंह की फिल्म है और अब इतना फख्र होता है कहते हुए कि ये मेरी फिल्म है और ऑस्कर्स के लिए इंडिया से चुनी गई फिल्म है. तो बहुत ही उम्दा हफ्ता रहा है क्योंकि सीक्रेट गेम्स एमीज के लिए गई, ये हमारी गली बॉय ऑस्कर्स के लिए गई, डॉली किट्टी बुसान गई है. तो इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा होना ही मेरे लिए बहुत ही अहम बात है और जो प्यार मिल रहा है वो बहुत अच्छा है. थैंक यू. बस अभी अंदर जाएंगे, समोसे खाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे और वर्डिक्ट देखेंगे. Thank you. Hello. Poochi. Are you? Thank you. No, she's going to. Congratulations to you too. Kill it. Yeah. Yes. Hi guys. Sorry. Yeah, no worries. Go. You want to take some Yes, hi. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं बिकॉज ये मेरा आज तक का बहुत ही सबसे चैलेंजिंग रोल रहा है, सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर मैंने किया है आज तक का. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इट. सॉरी कैरेक्टर के बारे में. सो आई प्ले दिस कैरेक्टर कॉल्ड विद्या मुंशी. शी यू कैन कॉल हर द फर्स्ट वुमन टू स्टार्ट women's movement in India she was the first on-field journalist, aisi journalist jo hamesha facts ko aur jo sach hota hai use of course aage dikhane mein aur use showcase karne mein believe karti hai. So yeah, I'm kya sikhne ke liye mila kis tarah यू नो मेरे जो भी सीन्स रहे हैं दे हैव बीन विथ कुबरा सौरभ शुक्ला एंड एली. सो आई हैवंट शॉट विथ अदर एक्टर्स ऑन द सीरीज बट जितना भी मैंने इन लोगों के साथ शूट किया, आई मीन ऑफ कोर्स यू नो अदर एक्टर्स आई हैव सीन देयर वर्क एंड आई हैव एब्सोल्युटली लव्ड इट. एंड सौरभ सर के साथ जब मैंने सीन किया था, आई थिंक just looking at him you know or just seeing him perform you can learn so much out of it. Unhe baat karte hue dekhne mein itna kuch seekhne ko milta hai, so it was a good experience. Kya aapne film Rustam dekhi? Nahi, I swear I haven't. Amitabh Bachchan ki Dada Saab Phalke Awards, I think it is very 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 much deserved. I think it should have happened long back. It has finally happened and he's one legendary actor who, I mean,
kind of, you know, needed it more than anybody, who deserves it more than anybody. So many congratulations to Big B. It is a very, very, very proud moment for India. And I personally loved the film. I saw it twice and I'm very, very happy that a film as good as Gully Boy has been nominated for the Oscars. Thank you so much. I look like a kid in front of you. You're my best friend. Come, let's meet Pooja. बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अंगद एक्चुअली एक बहुत डियर फ्रेंड है. मानव इज अ वेरी ग्रेट परफॉर्मर, सो लॉट्स ऑफ परफॉर्म. स्वानंद इज अ वेरी डियर फ्रेंड, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, सो दैट समथिंग विच अगेन द कॉन्टेंट इज समथिंग विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. आई थिंक बहुत तगड़े एक्टर्स है तो सबके एक्टिंग के लिए मैं मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मानव हो या अंगद हो या कुबरा हो स्वानंद हो, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरीवन. मैं अभी एक्चुअली दो शोज़ कर रही हूँ, एक नीरज पांडे के साथ एक ब्रीथ टू जो आ रहा है, और एक अनुराग कश्यप के साथ पिक्चर ख़त्म हुई है तो वो होपफुली आ जाएगी अगले साल. थैंक यू. Look here. Aye, aye, Baba.
Hey, listen, Sumit, आज हमारी और मैं तो सबसे ज़्यादा हाय हाय जिनल हेलो हाँ जी बहुत एक्साइटेड हूँ देखिए इतने ज़बरदस्त कपड़े पहन के आया हूँ तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस शो वी ऑलमोस्ट स्पेंट अ ईयर मेकिंग दिस शो एक साल लग गया बनने में तो इसलिए नहीं क्योंकि हम स्लो हैं इसलिए क्योंकि हमने वक्त लेकर जमा के बनाया है जो चीज़ लगी कि इसमें वक्त लगेगा तो हमने वक्त लिया है तो इसलिए उतनी एक्साइटमेंट भी है शो को लेकर उनकी बेसिकली उनके जो वीडियो एविडेंसेस है वो 70 की उम्र के बाद से हैं तो फिर मैंने कोशिश की कि एक तो उनकी बायोग्राफी है वो पढ़ी उस ज़माने के जो केसेस वो लड़ रहे थे वो पढ़े क्यों लड़ रहे थे वो पढ़े फिर मुझे लगा कि इमिटेट करना जुवेनाइल होगा इस पूरी चीज़ को क्योंकि उनके लेट 30s में उनका बिहेवियर पैटर्न कैसा था वो फिज़िकली कैसे दिखते थे उसका बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है तो बेहतर ये होगा कि हम उसको इंटरप्रेट करें कि वो जिस पॉलिटिकली प्रोफेशनली जिस मनस्थिति में थे उसको समझने की कोशिश करें तब फिर हम ये इस केस में उनकी भूमिका को ज़्यादा बेहतर निभा पाएंगे मैंने कंफ्यूज तो नहीं कर दिया अजीब तो नहीं बोल दिया बहुत अच्छा अनुभव रहा क्योंकि इसकी कास्ट बहुत मज़ेदार है ज़्यादातर दोस्त लोग हैं मानव हैं मकरन जी हैं स्वानंद किरकिरे जी हैं ये सारे जानने वो लोग हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ जिनके साथ काम करता हूँ थिएटर करता हूँ तो एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन था सेट पर क्योंकि सबको लग रहा था कि यार ये मुझसे ज़्यादा अच्छा ना कर जाए तो वो अच्छा था व्हाट नेक्स्ट अभी तो ये इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मैंने ज़्यादा लंबी छलांग लगा ली मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे व्यक्तित्व से काफ़ी विपरीत है राम जेठमलानी जी तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा निकल के आया बाकी एक फिल्म आ रही है मेड इन चाइना इस दिवाली तो वो देखते हैं वो भी मज़ेदार है जी 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 बहुत बहुत खुशी की बात है और इफ़ नॉट हिम देन हु हमेशा ऐसे करते हैं मैं खड़ा हूँ बहुत खुशी की बात है और अच्छी फिल्म है सबको पसंद आई ये फिल्म और यहाँ की लोकल कल्चर यहाँ के क्या कह सकते हैं रूट से निकले हुए जो बच्चे हैं उनकी कहानी है तो आई एम श्योर लोग वहाँ के लोग भी उसको एंजॉय करेंगे थैंक यू थैंक यू हाय सॉरी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार मैं तो काफ़ी तब समय से पूछ रहा था कि ये जल्दी इसका स्क्रीनिंग हो जल्दी ये आए तो 30th September आ रही है मैम वेरी एक्साइटेड मकरन एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल रहा हम लोगों ने काफ़ी एक साल से इस पर काम किया मेहनत की और सुभाष कपूर और एकता कपूर एक साथ आए शशांक शाह ने गजब डायरेक्ट किया सो आई थिंक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज जो अभी आ रही है एंड वेरी ऑथेंटिक वेरी रियल एंड वेरी एंटरटेनिंग थैंक यू सो मच थैंक यू यहाँ पे ये क्या जॉइन बॉस
कुछ सवाल है अरे यार ये बहुत प्यार है उन लोगों को और क्या मुझे लग रहा है कि पूरी सीरियल बहुत अच्छी है और वेब सीरीज़ और जिन लोगों ने काम किया है बहुत मेहनत से काम किया है क्रिएटिव टीम ने प्रोडक्शन ने आर्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट्यूम टीम एक पीरियड ड्रामा है रियल ड्रामा है एक्टर्स गजब के हैं हमारा डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छा काम किया राइटर ने बहुत अच्छा काम किया मुझे लगता है कि लोग ज़रूर इसको देखना चाहेंगे क्योंकि सब्जेक्ट पता है लेकिन इतना नहीं पता है जितना हमें पता है तो भाई आप एक्साइटेड हैं हाँ मुझे लगता है कोई अच्छी चीज़ बनाने के लिए वक्त लगता है और इसलिए वक्त लगा है मुझे लगता है बहुत ठोस चीज़ बनी हुई और जैसे आप देखोगे इसमें एक्टर्स सारे बहुत ही अच्छे हैं तो इतने सारे अच्छे एक्टर्स को इकट्ठे लाने में थोड़ा वक्त लगता है बहुत ज़्यादा अभी आप देखिए ना मुझे तो लगता है आज लोग क्योंकि उसमें सुविधा है ना आदमी दिन भर काम करके भी आराम से सब कुछ साथ में देख लेता है और साथ में 8-10 घंटे कोई चीज़ देखने का अपना मज़ा है संडे पूरा निकल जाता है सैटरडे निकल जाता है सो आई थिंक इट इज़ द हॉटेस्ट थिंग राइट नाउ अवेलेबल और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं अरे यार बस और उनको नहीं मिले तो और किसको मिले बहुत अच्छी फिल्म बनी और मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि हमारे यहाँ से जो भी फिल्म जाए वो कुछ करें लगान मदर इंडिया मुझे लगता है अब गली बॉय और जो भी एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी है अपनी यहाँ की चीज़ तो लवली टेरिफिक राइटिंग डायरेक्शन एंड एक्टिंग एंड म्यूजिक हाँ जी सर कहाँ है बहुत एक्साइटेड है काफ़ी एम्बिशियस सीरीज है होपफुली नाउ आई होप इट डिलीवर्स एज फार एज द ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस आर देयर बहुत अच्छा रहा सौरभ सर हैं मानव सर हैं सुमित व्यास है सोनी मैम है स्वानानंद किरकिरे हु इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर मकरंद देशपांडे थिएटर लेजेंड सो आई थिंक एली अवरम देर इज कुबरा सेठ हु डन सो वेल इन सेक्रेट गेम्स सो आई फील इट्स अ ग्रेट एक्लेक्टिक कास्ट अब देखते हैं हम सब ने मिली भगत तो करी अब इसका एंड रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए रिसर्च तो देखिए अगर ये रिसर्च ना करते शो ना बनता सब ने क्योंकि सबके किरदार जो हैं सब रियल तो फॉर मी आई वाज द लास्ट पर्सन टू कम ऑन बोर्ड ऑल्सो आई हैड नो रेफरेंस पॉइंट बिकॉज अ लॉयर हुज नेवर लॉस्ट अ केस इन हिज लाइफ एंड ही विंस दिस केस फॉर कावस मानेश और नानावटी एंड टर्न्स इट अराउंड आई हैव टू मेक माई ओन रेफरेंस पॉइंट Hopefully I've been able to do that. Now let's see, the verdict is with the audience. बहुत अच्छा रिएक्शन था मैम हमारी जो धर्म पत्नी उनको काफ़ी अच्छी लगी पिक्चर अनफॉर्चुनेटली इट कुड होल्ड विद द ऑडियंस But luckily for me, I have about 4 more projects on my hand and they're all on release, so
one after the other, you got to keep on moving forward. जी हाँ देखिए वो ही इज़ अ लेजेंड ऑफ सिनेमा फॉर अस एंड स्पेशली फॉर मी मिस्टर बच्चन इज इंडियन इंडिया इज मिस्टर बच्चन एंड हु बेटर देन मिस्टर बच्चन द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दैट जी बहुत अच्छी बात है माय हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू फरहान एंड रितेश सिद्वानी रणवीर सिंह सिद्धांत चतुर्वेदी आलिया भट्ट एंड आई थिंक दे ऑल डिजर्व इट जोया अख्तर उनकी पिक्चर है सोया और ये है हमारी कुबरा सेट आए आ जाए आपसे भी दो हाँ ये हमारी सेक्रेट गेम्स की हैं हीरो की बात हाँ आपकी बात हो रही थी चले थैंक यू एंजॉय द हाउ यू और मेरे ख्याल से वो थोड़ा बहुत उनका जो स्पिरिट था जिस तरह के वो इंसान थे वो थोड़ा सा मैं शायद कर पाया उसका जी बच्चन साहब सर्वप्रिय हैं बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं उनको तो जितने अवार्ड दिए जाएं कम हैं और बहुत हम्बल इंसान हैं और हमारे सदी के मतलब सिनेमा की सदी के ही कहा जाएगा क्योंकि सिनेमा तो सदी से ऊपर का है भी नहीं वो महानायक हैं हम सब उनको देख के बड़े हुए हैं और अपना सौभाग्य मानते हैं कि उनकी उस समय में हम काम कर पा रहे हैं उसी समय में जब बच्चन साहब भी अभी भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत उम्दा फिल्म है और उम्दा फिल्म को ज़रूर मिलना चाहिए इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल फिल्म बाकायदा सीखा है मेरे ख्याल से ये उनका बड़प्पन है जब लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी से कुछ सीखा तो जो बाकी एक्टर्स कह रहे हैं देखिए क्या होता है जब भी दो लोग एक्टिंग करते हैं या दो लोग साथ काम करते हैं आप इंसान दूसरे इंसान से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा क्या सीखा वो मेरे आने वाले काम में आपको दिखाई पड़ जाएगा थैंक यू Why don't you just go watch and then come on the other? That's what I'm doing. Yeah, because the other is coming. का मौका मिला है एंड इट्स माय फर्स्ट वर्क विथ एकता मैम इट्स माय फर्स्ट वर्क विथ सुभाष कपूर सो या फिंगर्स क्रॉस्ड एंड व्हाट एन अमेजिंग टीम एंड आई लव दैट एंड आई होप आप सब लोग जो देख रहे हैं हमें प्लीज़ हमारे शो को एक बार देखिए और बताइए आपका वर्डिक्ट क्या है या yeah.
हाँ एक्चुअली मैं तो बस राइट देखो तो सौरभ शुक्ला सर है, लेफ्ट देखो तो आप मकरन सर हैं, सामने देखो तो एकता मैम, पीछे देखो तो सुभाष कपूर, यहाँ थोड़ा सा देखो तो शशांक साहब, ये सब लोग ने 20-30 साल काम किया है इंडस्ट्री में, और यहाँ आजू बाजू एली है इतनी प्यारी सी, मानव है, सो या इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी वॉट ऑल ऑफ देम आर डूइंग यू नो एंड ट्राई एंड डू समथिंग विद देम. मज़ा आ गया वैसे. लेट्स सी, वी 100 बात की एक बात, पब्लिक को शो अच्छा लगना चाहिए. बिड़ो पब्लिक भाई, आप लोग शो देखने का और अपना वर्डिक्ट देखने बोलने का, अपने को ऐसे शर्माने का नहीं. आई नो यू. रेडी? कैन यू बी लाउडर? मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत स्पेशल है मेरे लिए. थैंक यू. या सो आई एम एक्साइटेड टू सी इट, टू वॉच इट. या एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा. हमारा डायरेक्टर शशांक सर एक बहुत अच्छा ट्यून सेट किया है शुरुआत में. सो इट वाज ब्यूटीफुल, वेरी प्रोफेशनल, वाज एवरीवन वाज हैविंग अ ग्रेट स्पिरिट यू नो. सो या सॉरी, वेल आई एम प्लेइंग मिसेस सिल्विया नानावती एंड आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम you will get to see her point of view, you know, and also as a woman, what she felt, what she went through. I would say she's a very vulnerable young lady, but also very strong, also, you know, a woman with so much of courage in her, very fearless, I would say. Yeah. Well, congrats. I think it's beautiful. Yeah. Iske alawa Gully Boy the entry kiya Oscar ke liye. Oh, well, I got very excited and happy about the news because Gully Boy is literally one of my favorite movies. Love that movie, so really well deserved, and I really hope that it wins. Thank you. हाँ यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इधर आके थोड़ा रुकिए, यहाँ पे रुकिए जरा, यहाँ पे. थैंक यू. सेंटर, प्लीज होल्ड करो इधर, राइट साइड.